कि शिव मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाया जाता है। यह शास्त्र संगत प्रश्न है, मगर सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ताली बजाना अच्छी बात है कि बुरी बात है। पहले प्रश्न यह है, तो ताली बजाना सबसे अच्छी बात है। कहता है हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना आप ताली बजाइएगा भगवान मंदिर में कि कहीं भी। शरीर आपका स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो ताली कहां से बजाइएगा। तो ताली बजाने से सबसे पहले हमारा जो स्वास्थ्य है यह स्वस्थ रहता है। तो ताली बजाने से जो हमारा रक्त संचार है यह बढ़ता है। शरीर का जो अंग है वो अस्थिर होकर बैठा हुआ जो है, अगर हम ताली बजाते हैं तो शरीर का में जो फुर्ती आ जाती है, रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मैं अभी साइंस की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग धर्म की दृष्टिकोण से बात करेंगे। हमारा कहते हैं कि सुबह में गर्दन है, दर्द है, ये है, ये जोर तोर दर्द सब दर्द करता है। अगर आप सुबह में ताली बजाते हैं तो आपको ऊपर कई रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं कि भगवान के दरबार में शिव मंदिर में ताली कितनी बार बजानी चाहिए, क्यों बजानी चाहिए। हम जब कभी कोई मंदिर जाते हैं तो पूजा अर्चना का जो समय है, लोग जब मन तब आते हैं भगवान का पूजा किए और उनके सामने हम लोग जानते हैं कि 3 बार ताली बजाना चाहिए। सुबह से लेकर के संध्या तक ताली बजती ही रहती है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सोए हुए हैं, कोई आपके पास आकर के 3 बार ताली बजाए तो आपको गुस्सा आएगा कि प्रेम होगा? गुस्सा आएगा। यही बात भगवान शिव के पास भी हो रहा है, वह भी ध्यान में रहते हैं, निंद्रा अवस्था में जाते हैं, विश्राम अवस्था में जाते हैं, सबका अपना अपना दिनचर्या है। हम लोग जब मन तब 3 ताली मार के चले आते हैं, तो 3 ताली बजाने का एक समय है, कब बजाना चाहिए। तो जब प्रारंभ में सुबह में जो हम लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, जब मंदिर के पंडित जी मंदिर का पूजा अर्चना करते हैं, जब पट लगाते हैं, तो उस टाइम में पंडित महाराज 3 बार ताली बजाते हैं। क्यों? सबसे पहला कारण है ताली बजाने का कि अपनी उपस्थिति को जताना कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में आपकी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं और हम मौजूद हैं, इसके लिए हम आपको एक सिग्नल दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति को जताना। दूसरा ताली जो हम लोग बजाते हैं वो याचना के लिए बजाते हैं, कुछ मांगने के लिए या न मांगने के लिए, दोनों के लिए बजाते हैं दूसरी ताली। इसमें है क्या? दूसरी ताली का सबसे पहला कारण है कि प्रभु, हम जो आपके दरबार में आए हैं तो मांगने के लिए आए हैं ना। कोई किसी दरबार में जाता है मांगने के लिए, तो अपना भंडार मेरा भरा रहे, हम जो कष्ट क्लेश से जुड़े हुए हैं, जो हम आपको चाहिए उसके लिए हम उपस्थिति जो आपके दरबार में लिए हैं उसके लिए हम दूसरी ताली बजाते हैं। तीसरी ताली में है क्या? हे प्रभु, आप हमको कुछ दें या ना दें, आप हमें कुछ मत दें, मगर अपने चरणों में मुझे जगह दें, मुझे अपना शरणागत बना करके रखें, इसके लिए तीसरी ताली बजाते हैं। अब है क्या? ये ताली बजाने के लिए एक तो सुबह का समय हो गया, दूसरा पंडित जी शाम में संध्या वंदना करते हैं, तो आप लोग मंदिर से जाते होंगे तो तुरंत पट बंद हो जाता है। पट बंद होने के बाद पूजा पाठ होती है, घंटी बजती है, मृदंग बजती है, ढोल बजती है, जो जो बजाना है वो बजाता है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद जब पट खोलने का समय आता है तो पंडित महाराज फिर अपनी उपस्थिति जताते हैं कि प्रभु, आपको जो थोड़ी देर के लिए हम विश्राम अवस्था में छोड़े, मैं अब फिर आ गया हूँ आपको जगाने के लिए, फिर अपनी उपस्थिति हम दर्ज करते हैं। दूसरी ताली, फिर प्रभु जी हमारे यहाँ भक्त मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, हमको ये चीज़ चाहिए मांगने के लिए, आपके यहाँ दरबार में आए। तीसरी ताली शरणागत के लिए। यह सुबह और शाम में जब पंडित जी या हम लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं तब ये ताली बजाई जाती है। अब 12 बजे दिन में गए हम, सोने का टाइम है, ताली बजा रहे हैं, इससे लाभ नहीं मिलेगा, इससे हानि ही हानि मिलेगी। हाँ, ताली अगर आपको बजाना है भगवान के दरबार में तो बगल में बजाइए ना, 10 बार बजाइए, 1 बार 2 बार 10 बार बजाइए, इससे आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर दर्द गर्दन दर्द सब दर्द आपका ठीक ठाक होगा। इसके साथ साथ शास्त्र में कुछ दर्ज भी है कि क्यों ये 3 ताली का प्रावधान दिया गया।
तो शास्त्र में अगर सबसे उत्तम पंडित की बात की जाए तो वह था रावण। रावण से बड़ा संसार में कोई पंडित ना बना है ना बनेगा। तो रावण ने अपना जो उनका भाव था, अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने शिव का आराधना किया और अपने गर्दन तक, मस्तक तक को समर्पित कर दिया उनके लिए। उन्होंने तीन ताली बजा करके अपनी उपस्थिति, अपना जो विचार था, अपनी जो बातें थी, वो प्रभु के सामने रखा। तो उनकी सब इच्छा पूर्ति हुई। इनके साथ साथ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी, इनको पटरानियां तो बहुत थी, कहा जाता है कि 16,000 पटरानियां थी, मगर संतान एक भी नहीं था। तो उन्होंने भगवान शिव का आराधना किए कि प्रभु हमारे पास तो पत्नियां बहुत है, पटरानी बहुत है, मगर संतान एक भी नहीं है। तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया अपनाया तीन ताली का, तो उनको भी संतान हुआ, लाखों में संतान हुआ। जब रामेश्वरम की स्थापना किया जा रहा था, लंका पर जो पुल बांधी जा रही थी समुद्र पर लंका जाने के लिए, उस टाइम में भी भगवान श्री राम ने तीन ताली बजा करके भगवान प्रभु को अपना उपस्थिति दर्ज किया, प्रभु इससे हमको लाभ मिले। तो भक्तों को दो समय बजाने चाहिए, या सुबह या शाम। यस, इसलिए सुबह या शाम में ही केवल ताली बजानी चाहिए। आप यह ताली बजाते हैं और सुचारू ढंग से बजाते हैं, विधिपूर्वक बजाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर सदा सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपका धन्य धान्य भंडार भरा रहेगा। मगर कोई भी चीज़ तरीके से